नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज के इस विशेष पेशकश में हम बात करेंगे भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल की, जहां एक बड़ी लापरवाही ने 3 लोगों की जान ले ली। इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और इसकी जवाबदारी किसके हाथ में आएगी? आखिर ये लापरवाही हुई कैसे? आज हम जिम्मेदारों से ऐसे ही सवाल करेंगे, तो आप देखते रहिए हमारी ये खास। हमीदिया अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां शुक्रवार करीब 6 बजे कोविड वार्ड की अचानक बिजली गुल हो गई। जनरेटर भी करीब 15 मिनट चलने के बाद बंद हो गया। बिजली गुल होने के कुछ देर बाद वेंटिलेटर भी बंद हो गए। इस दौरान वेंटिलेटर सपोर्ट पर 4 मरीज थे। डॉक्टरों ने अम्बुबैग के जरिए इन मरीजों को ऑक्सीजन दिया, लेकिन मरीजों की हालत बिगड़ गई। इनमें करीब 3 घंटे बाद 67 साल के भोपाल निवासी और पूर्व कांग्रेस पार्षद अकबर खान समेत 3 मरीजों की मौत हो गई। इस घटना के सियासी रूप लेने से पहले ही सीएम ने तुरंत सख्ती दिखाते हुए बड़ा एक्शन ले लिया। सीएम शिवराज ने भोपाल कमिश्नर के नेतृत्व में जांच कराने और जल्द जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर ऐसा है तो ये गंभीर लापरवाही है, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस मामले में हमीदिया अस्पताल के डीन और अधीक्षक को नोटिस दिया है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। अस्पताल के पावर बैकअप सिस्टम का सर्टिफिकेशन करने वाले इंजीनियर को भी निलंबित किया गया है और डॉक्टर से भी जवाब मांगा गया है। लेकिन हमीदिया में हुई इतनी बड़ी लापरवाही पर सियासत होना लाजमी था। कमलनाथ समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, देश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल, शेड्यूल में भी मासूम बच्चों की मौत का आंकड़ा 21 पर पहुंच गया, आखिर सरकार कब नींद से जागेगी? वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने भी सवाल उठा दिए हैं। 5:58 पर लाइट गई, जनरेटर के बैकअप से लाइट फिर से शुरू हुई, परंतु 10 मिनट बाद वो फिर बंद हुई और लगभग 1 घंटे के अंदर फिर से लाइट आ गई। निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही है और इसीलिए तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यूडी के ईएनएम के वो इंजीनियर जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस पूरे मेंटेनेंस की देखभाल करें, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन और सुपरिंटेंडेंट को नोटिस दिया गया है। वो डॉक्टर जिसको सभी व्यवस्थाओं के चुस्त दुरुस्त होने का सर्टिफिकेशन देना था, उस पर भी कार्रवाई और उसको भी नोटिस दिया गया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। मामले में कहीं भी यदि लापरवाही हुई है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब हमीदिया हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल नहीं है कोई प्रदेश के अंदर, उसमें लाइट चली गई, और लाइट चली गई तो जनरेटर क्यों नहीं चला, क्यों नहीं डीजल डाल के उसको चलाया? और वेंटिलेटर पे अगर कोई पेशेंट है तो निश्चित तौर पर अगर 1 घंटे 1.5 घंटे लाइट जाएगी तो जान जाना ही है। और अकबर खान नरेला क्षेत्र के पार्षद रहे, जहाँ से मंत्री विश्वास सारंग MLA हैं, तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और 3 लोगों की जान सरकार ने ले ली, मेरा ये इन पर आरोप है और इसकी जिम्मेदारी खुद मंत्री को लेना चाहिए। नोटिस देने से इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेटरी जांच होना चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट के जज से जांच कराई जाए। 3 लोगों की जान जाना, 1 पार्षद की जान जाना कोई छोटा मामला नहीं, हाई कोर्ट के किसी भी जज से इसकी जांच कराई जाए, ये हमारी मांग है। इसमें मौत का तांडव चल रहा है, 21 बच्चों की जान चली गई शहडोल में, फिर 1 बच्चे की अभी गई है, कहीं मंडीदीप के अंदर फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की डेथ हो गई, कहीं किसान ने तेंदुखड़ा में आत्महत्या कर ली। ये चारों तरफ
कहीं एक्सीडेंट में लोगों की जान चली गई, मौत का ताड़ो मदद में चल रहा है। ये केवल बयानबाजी करते हैं, मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। भोपाल के मेडिकल कॉलेज में बिजली गोल हो जाने, जनरेटर नहीं चलने और कोई इमरजेंसी व्यवस्थाएं ना होने के कारण कोरोना वार्ड में जो 3 मौतें हुई हैं उसमें एक पूर्व जनप्रतिनिधि भी है, ये मध्य प्रदेश की सरकार की असली सूरत दिखाता है। 3 साल पहले जब एक बुजुर्ग औरत का शव चूहों ने कुतर लिया था, तब इसी अस्पताल में पूरा का पूरा स्टाफ को परिवर्तित कर दिया गया था, उन्हें हटा दिया गया था। आज एक छोटे से कर्मचारी के ऊपर गाज गिराकर सरकार क्यों लीपापोती करना चाहती, इसमें तो मंत्रियों के इस्तीफे होने चाहिए। तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं एक वीडियो के जरिए हमीदिया अस्पताल की हकीकत। ये वीडियो पूर्व कांग्रेस पार्षद अकबर खान के बेटे अहमद खान ने शुक्रवार रात को बनाया। उन्होंने बिजली गुल होने की शिकायत अस्पताल प्रबंधन से भी की थी, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। आधे घंटे से लाइट नहीं है मैम, तो कोई हमारे पेशेंट को दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत तो बहुत हो रही है ना सर, लाइट के बिना कैसे मैम, यहाँ से कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा मैम। ऐसे तो अरेंजमेंट अब यहाँ तो सब एम्बुबेक से सब लगाए हुए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा मैम, बहुत दिक्कत वही है, यहाँ हम बाहर खड़े हुए मैम, कुछ हो नहीं पा रहा। सब जगह की लाइट है मगर यहाँ की लाइट नहीं है, आप क्या करें मैम? देख लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। हेलो, ये देखिए भाई, ये हमीदिया हॉस्पिटल है, इमरजेंसी वार्ड, इसमें COVID-19 के कितने पेशेंट हैं और आधे घंटे से यहाँ लाइट नहीं है और यहाँ का कर्मचारी भी कोई उसको नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। इमरजेंसी में कुछ भी चीज़ नहीं है, बस बोलने की लाइट आ जाएगी उसी का वेट कर रहे हैं। ये देखिए आप, पूरा इमरजेंसी वार्ड बंद पड़ा हुआ है, दूसरी जगह लाइट है। तो सवाल तो उठेंगे, 3 लोगों की मौत, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने इस पर तुरंत कार्रवाई की बात कही। खुद विश्वास सारंग साहब आए, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन बीसी शर्मा साहब को आपने सुना कि ये तो सरकार ने ही लोगों की मौत करवाई है, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। और इसके बाद आप कमलनाथ जी का ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने शेड्यूल के मामले को भी उठाया और ये भी कहा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमीदिया हॉस्पिटल, जहां जिम्मेदारियां लेने वाले और साथ में इमरजेंसी में जो हम व्यवस्थाएं देखते हैं वो दुरुस्त नहीं है। कई तरह के सवाल और कई तरह के आरोप। अंकुर अधवारी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुर, ऐसा नहीं है कि पहला मामला है जो हमीदिया अस्पताल का निकलकर सामने आया हो, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं निकलकर हमीदिया अस्पताल से सामने आती रही हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने भी जिक्र किया, इससे पहले भी एक बुजुर्ग महिला को चूहों ने उसके शव को कुतर लिया था, और भी इस तरह के कई मामले चाहे सुल्तानी अस्पताल हो चाहे हमीदिया हॉस्पिटल हो, वहां से निकलकर सामने आते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि इमरजेंसी वार्ड है जहां वेंटिलेटर, जहां आईसीयू, तमाम ऐसी मशीनें चालू रहती हैं और जरा भी चूक हुई मरीज की जान जा सकती है, ऐसे वार्ड में, ऐसे स्पेस में लाइट को लेकर कोई व्यवस्था ना होना और उसके बाद मरीजों का एक के बाद एक उनका दम तोड़ना सवाल खड़े करता है कि आखिर पहले से ही क्यों मॉनिटरिंग नहीं होती, जिम्मेदार जो बैठे हुए हैं वो खुद जाकर क्यों नहीं चेक करते हैं तमाम व्यवस्थाओं को। अब भले ही कितने भी कर्मचारियों को आप निलंबित कीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो इस दुनिया को छोड़ गए वो वापस थोड़ी ना आएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पारुल, मैं आपको बता दूं, बड़ी लापरवाही हो, ये कोई पहला मामला नहीं, जिस तरह से आपने बताया कि इसके पहले भी कई मामले आ चुके हैं, अभी तो ये कोरोना मामला है, बड़ा मामला है। 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, आपको बता दूं, पूर्व पार्षद अकबर, एक अहमद करके हैं और एक बाबूलाल, 3 लोगों की मौत हो गई। इसके पहले भी हमीदिया में कई सारी लापरवाहियां देखने को मिली हैं, एक महिला के सबको कुत्तों के द्वारा, चूहों के द्वारा कुतर दिया गया, कई बार कुत्ते भी वहां पर घूमते रहते हैं। इसके अलावा कई सारी
लापरवाही आ रही। बात करें वहाँ डॉक्टरों की, तो जूनियर डॉक्टर है वो लगातार गुंडागिरी करते रहते हैं, मरीजों से दुर्व्यवहार करते रहते हैं, और इस बार तो एक बड़ी लापरवाही है। निश्चित तौर पर विपक्ष इसके लिए सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर जब ये कोरोना वायरस है, इतना बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें आखिर लाइट गई तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जनरेटर था तो वो क्यों शुरू नहीं हुआ, और वो भी था तो जो वेंटिलेटर सपोर्टर्स में जो बैकअप रहता वो क्यों नहीं हुआ, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन, और इसी के लिए विपक्ष लगातार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई या उनका इस्तीफा मांग रही। निश्चित तौर पर जिस तरह चाहे कमलनाथ का ट्वीट हो या पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जो मांग की है कि इसकी पूरी मजिस्ट्रियल जांच होना चाहिए, निश्चित तौर पर अब एक तरफ विपक्ष अपने सवाल खड़े कर रहे हो तो दूसरी तरफ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग यह सफाई देते फिर रहे हैं कि वहां पर लाइट जाने से कुछ नहीं हुआ, लाइट गई थी, इसकी जांच तो कराई जा रही है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, लेकिन वो जो वेंटिलेटर सपोर्टर सिस्टम है वो भी 2 घंटे का बैकअप रहता है और 1 घंटे में लाइट आ गई थी, जबकि बात ये सही है कि 2 घंटे तक लाइट गई थी और जिसमें मरीजों को काफी परेशान होना पड़ा था, 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। फिलहाल मुख्यमंत्री ने अभी पूरी चिकित्सा शिक्षा विभाग की पूरी समीक्षा की है, निश्चित तौर पर आज शाम को रिपोर्ट भी कमिश्नर के द्वारा दी जाएगी, जिन जिन लोगों की इसमें लापरवाही होगी उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। अब इस पर हो रही सियासत पर भी अंकुर हम बात कर लें तो शेड्यूल का मामला भी इंक्लूड कर दिया है अपने ट्वीट में कमलनाथ साहब ने, उन्होंने शेड्यूल में होने वाली बच्चों की मौतों के बारे में जिक्र किया और उसके अलावा उन्होंने भोपाल का भी हमीदिया हॉस्पिटल का भी मामला जोड़ दिया। ऐसे संवेदनशील मामलों में अब जाहिर है कि ना तो किसी डॉक्टर ने कोई गलत इंजेक्शन लगाया है जहां आप डॉक्टरों की लापरवाही कहें, ना ही कोई आके किसी ने वहां पर मर्डर किया है, टेक्निकल इशू है। अगर इसे इस तरह से भी देखा जाए, एक टेक्निकल इशू जिसमें हो सकता है कि कोई टेक्निकल ही दिक्कत आई हो, फ्यूल की बात तो कर ही रहे हैं कि जनरेटर में डीजल नहीं था या कोई और भी परेशानी हो सकती थी, ऐसे मामलों में, ऐसे संवेदनशील मामलों में इस तरह की राजनीति करना, इस तरह से ये कह देना कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे, क्या इससे समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या जब कमलनाथ जी सीएम थे उस वक्त क्या मौतें ही नहीं हो रही थी? कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई इशू तो रहा ही होगा। जब शेड्यूल में भी जब वो गए थे स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी उस समय थे, उस वक्त भी तो बच्चों की मौत हुई थी जिसके बाद उन्होंने सीएमएचओ को हटाया था। निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है अपना विरोध करना इस तरह की, चूंकि घटना चूंकि बड़ी है, अभी 3 दिन पहले ही शहडोल का मामला आया है जिसमें 21 नवजात बच्चों की मौत हुई है इलाज के दौरान, और उसके तुरंत बाद कोरोना जैसा जब संक्रमण काल चल रहा है, वो बड़ी बड़ी बातें जब सरकार करता है कि हमने कोरोना के लिए ये व्यवस्था की है, वो एकाएक आपके सबसे बड़े अस्पताल में जन लाइट चली जाए, लाइट के बाद वैकल्पिक जो व्यवस्था रखी वो भी दुरुस्त ना हो, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी कार्यप्रणाली पर तो खड़े होते ही है। अब विपक्ष का काम है सरकार पर हमला करना, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार भी पूरे एक्शन मोड में, ऐसा नहीं है, सरकार भी पूरे मामले की जांच करवा रही है, निश्चित तौर पर इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है। निश्चित तौर पर अभी शाम तक पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन लोगों की लापरवाही रही और आगे अब और किस तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त करना है, इन सब चीजों को लेकर अभी एक समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। अब ऐसे में जाहिर है कि सियासत तो हो ही रही है और लगातार जिस तरह से हमीदिया में केसेस सामने आते हैं, फिर चाहे वो लिफ्ट का खराब हो जाना, मरीजों की परेशानी, डॉक्टरों की उपस्थिति ना होना, जब देखो तब जूडा की हड़ताल, तो ऐसे में क्या कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ऐसे मरीजों के लिए जो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं, और अगर कोई परेशानी आ भी जाती है तो एक अल्टरनेट सिस्टम तैयार करना चाहिए, या फिर कोई और भी सॉल्यूशन हो सकता है जो एक्सपर्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये छोटी छोटी गलतियां मरीजों की जान लेने पर अगर बन रही हैं तो इन गलतियों का सुधार तो होना ही चाहिए। हमीदिया अस्पताल काफी पुराना अस्पताल है लेकिन आज तक वहां पर मशीनें दुरुस्त नहीं हुई, नई टेक्नोलॉजी की मशीनें नहीं देखी गई। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि मशीनें आती हैं लेकिन बंद दरवाजों में ही वो पैक होती हैं। बिल्कुल पारुल, आपने बिल्कुल सही कहा, करोड़ों रुपए बिल्डिंग में तो ये लोग खर्च कर रहे हैं, नई नई मशीनें ला रहे हैं लेकिन उनका जो सदुपयोग होना चाहिए मरीजों के लिए वो नहीं हो पा रहा है। आपके पास जनरेटर है, जनरेटर में डीजल नहीं है तो वो जनरेटर फिर किस काम का? निश्चित तौर पर जनरेटर में अगर डीजल होता तो इस तरह से बैकअप जो होता है अल्टरनेट बैकअप होता है, जनरेटर चालू हो जाता तो हो सकता है स्थिति नहीं बनती, क्योंकि 10-5 मिनट के लिए अगर लाइट जाती इतने में जनरेटर चालू हो जाता तो निश्चित तौर पर मरीजों को परेशानी नहीं होती, लेकिन 1.5 से 2 घंटे तक लाइट नहीं। ऐसे में जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर जो मरीज हैं उन
उनको उनको चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो चाहे अन्य चीजों का, निश्चित तौर पर इस तरह से उनकी जान तो अभी तीन लोगों की ही जान गई, वो तो अच्छा है कि बहुत ज्यादा मरीज यहाँ पर सीरियस नहीं थे, लेकिन हाँ तीन लोगों की जान भी कोई कम नहीं है। लेकिन ये बड़ी लापरवाही, सरकार को चाहिए कि इनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी करना चाहिए और जो लोग लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई भी करना चाहिए और आगे ऐसी कोई गलती पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए पूरी के पूरी पूरी मॉनिटरिंग करके पूरा सिस्टम नया खड़ा करने की जरूरत है। एक सवाल और यहाँ पर खड़ा होता है अंकुर, कि लगातार हम देख रहे हैं माफियाओं पर कार्रवाई होना, भूमाफियाओं पर कार्रवाई होना, ड्रग्स माफिया पर, मिलावटखोरों पर सरकार सक्रिय है और खुद मुख्यमंत्री स्ट्रिक्ट हो चले हैं, और जब ये संदेश जा ही रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री का बदला हुआ स्वरूप ये बता रहा है कि वो किसी को बख्शेंगे नहीं, या तो डायरेक्ट आपकी नौकरी जाएगी या आपका तबादला होगा, और ऐसे में बावजूद इसके भी सिस्टम में अगर बदलाव नहीं देखा जा रहा और वो भी स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना काल हम देख रहे हैं, तो भला इस सख्ती से आप मध्य प्रदेश में आने वाले समय में सुधार की ये संभावनाएं देख रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर सख्ती की जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य विभाग में चाहे डॉक्टरों की बात हो, चाहे नर्सों की बात हो, चाहे अन्य स्टाफ की बात, भारी कमी है स्वास्थ्य विभाग के मामले में। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, निश्चित तौर पर चिकित्सा खासतौर पर स्वास्थ्य के मामले में काफी सुधार की आवश्यकता है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। फिलहाल जो अभी हाल ही में जो दो तीन बड़ी घटनाएं हुई हैं, इसके बाद अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि हर मामले में वो एक्शन ले रहे हैं, तो इस मामले में वो क्या एक्शन लेते हैं और किसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ अहमद खान जी जुड़े हुए हैं, पूर्व पार्षद कांग्रेस अकबर खान जो हैं उनके बेटे हैं अहमद खान जी। अहमद खान जी बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। अहमद खान जी पूरी संवेदनाएं हमारी आपके साथ हैं और जिन परिस्थितियों से अभी आप गुजर रहे हैं उसे समझ सकते हैं हम, लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी आपने वीडियो रिकॉर्ड किया और हम देख पा रहे हैं उस वीडियो को, आपकी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी और क्या कुछ परेशानी आपने देखी, अगर वो चीजें दुरुस्त होती तो शायद आपके पिता जिंदा होते। आप कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं वहां पे, आपने क्या कुछ महसूस किया कि क्या गलतियां हुई, आपने नर्स से भी बात की, उन्होंने भी बिल्कुल ढीला रवैया अपनाते हुए उस चीज को लेकर कहा लास्ट में कि देख लीजिए आपको क्या करना है। जी हेलो जी जी कहिए। जब मैं वहाँ पे था हॉस्पिटल के अंदर तो क्या हुआ कि 5:48 पर लाइट गई, 5:48 पर लाइट गई और 7:00 पर लाइट आई, पूरे 300 घंटे लगता है और ना कोई व्यवस्था ना जनरेटर की व्यवस्था, जनरेटर है मात्र स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा था जो बताया जा रहा है कि डीजल ही नहीं था? उस जनरेटर के अंदर क्या है, डीजल की चोरी होती क्या होती, 25,000 रुपए रोज उसके ऊपर मिलते हैं जनरेटर पे, और ना वो चेक करते हैं, मैंने 8 दिन के अंदर कभी भी जनरेटर चालू होते हुए नहीं देखा, ठीक है, और जनरेटर आए वो पूरा अधिकारी जनरेटर पे लग गए और जनरेटर चालू करने लगे, डीन मैडम आ गई और उसके बाद कमिश्नर साहब आ गए, कमिश्नर साहब ने भी आके खड़े हो गए, वो भी लाइट के 1.25 घंटे बाद आके खड़े हुए, ठीक है, और मैं वहाँ पे जब चिल्ला पुकार कर रहा हूँ, मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ कि आईसीयू की लाइट नहीं है, बिल्डिंग की लाइट नहीं है, जनरेटर चालू नहीं है, तो आप मरीज वेंटिलेटर वालों को वेंटिलेटर पे जो आईसीयू में उन लोगों को कैसे आप ट्रीट वो कर रहा होंगे, तो वो मैम कहने लगी, डीन मैडम कहने, आप घबराए नहीं हो, चौरासी जी कहने लगे वहाँ के अधीक्षक से, वो कहने लगा आप टेंशन न लें, हमारे पास बेका बेड 2.5 घंटे का, तो मैंने 2.5 घंटे का बेका बेड, तो हमें आप वीडियो दे दीजिए क्योंकि हमें तो अब यकीन नहीं रहा, क्योंकि स्थिति ऐसी जब वहाँ आपके हॉस्पिटल के अंदर अफरा तफरी मची और हम जब भागा दौड़ी कर रहे थे उसके बाद आप मतलब तकरी हुए, नहीं तो वहाँ पे तो आपने, मुझे तो ये लगता है क्योंकि 10 से 15 लोगों को मारा इनने कल की डेट में। अहमद खान जी ये तो आपने बताया कि वहाँ पर ये कहा गया आपसे कि बैकअप है और ये भी कहा जा रहा है कि मशीनों में बैकअप था उस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये भी मंत्री जी की तरफ से चिकित्सा शिक्षा मंत्री सरंग ने कहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इनने न्यूज दिए 10:00 पर ये आपके फादर खत्म हो गए, उनकी डेट हो गई, ठीक है, और मेरे पास न्यूज आई थी 7:00 पे न्यूज आ गई थी, जब लाइट आई थी उससे पहले ही लाइट आने के बाद मुझे फोन आ गया था कि
आपके पापा की डेट हो गई, ये इनने हॉस्पिटल से कब्रिस्तान में फोन लगाया था। अब यानी आप लोगों को वहाँ एट अ टाइम बताया भी नहीं गया, जब बॉडी को ले जाया गया वहाँ से उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये सिचुएशन हो गई है? जी, तो हमें बाद में आप बता रहे हैं कि ऐसा सा ऐसा हुआ है मामला यूं, और मतलब आपके पापा ज्यादा सीरियस हैं और ऐसा वैसा, मतलब ये सब लाइट के बीच में हो गई, 10 मिनट 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का था बेकअप, कोई 2 घंटे का बेकअप नहीं था, 2 घंटे 10 मिनट के अंदर पता नहीं कितने जो नॉर्मल थे वो भी उनकी भी हालत सीरियस हो गई थी, क्योंकि हमारे साथ एक और मरीज थे, मरीज के परिजन थे, वो साथ में रहते, वो भी मेरे साथ 8 दिन थे, तो वो कह रहे थे मुझसे, कहने लगे कि आज मेरे पापा की छुट्टी हो जाएगी, उनके भी पिता फादर थे, तो कहना आज छुट्टी हो जाएगी, 3rd फ्लोर पे ले आएंगे, मगर वो जब ये वाला काइंड हुआ उसके बाद जब हमारा मामला पता चला उसके बाद थोड़ी देर बाद वो भी मेरे पास आया, कहने लगे कि ऊपर से फोन आया है हॉस्पिटल से किसी मैडम का, वो कह रहा है कि वेंटिलेटर की जरूरत लगेगी उनको भी, और हमारे आने के बाद वो भी खत्म होगा, वो नॉर्मल थे वो भी कैसे खत्म होगा, उन्हें तो वेंटिलेटर नहीं लगा था। इस बीच जो इलाज मिल रहा था उस इलाज से आप संतुष्ट थे, जो आप आईसीयू में ट्रीटमेंट दिया जा रहा होगा, आपको बताया जा रहा होगा कि अब हालात सुधार हो रहा है, आप जो भी अपडेट्स आपको दिए जा रहे होंगे? मैडम मुझे तो कोई सुधार नहीं लग रहा उस हॉस्पिटल के अंदर, उस हॉस्पिटल में कोई सुधार नहीं है, परिजनों को मिलने नहीं देते बिल्कुल भी, एक आध ऐसा भी कोई वो नहीं है कि मतलब जो मरीज है वो वहां से चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया कि एक तेरा देखा तो मेरे घर परिवार का, मगर ये लोग ने बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ मामला करा, कोविड का मामला मैं मानता हूँ कोविड का मामला, मगर थोड़ी दूरी से कुछ भी ऐसा सामने वाले जो के साथ करें कि वो सामने वाला मरीज भी थोड़ा ठीक हो जाए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि वहाँ जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, आपसे मेडिसिन मंगवाई जा रही होंगी, कुछ तो आपको दिखाया जा रहा होगा कि हाँ, मुझे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं समझ में आया मैडम, कुछ ट्रीटमेंट नहीं समझ में आया मुझे, मेरे सामने थोड़ी ट्रीटमेंट दे रहे थे ये लोग। अब आप किसे दोषी मानते हैं, स्वास्थ्य प्रबंधन को, डॉक्टर्स को, मंत्री को भी मानता हूँ, पूरी सरकार को मानता हूँ, ऐसी कैसी व्यवस्था है कोरोना काल के अंदर, इमरजेंसी के अंदर उन्हें मतलब इतने सारे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, गोविंद मालू जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी जी, नमस्कार। गोविंद मालू जी, अभी हम अहमद खान से चर्चा कर रहे थे, अकबर खान के पुत्र हैं जिनकी डेथ हुई है, पूर्व कांग्रेस पार्षद। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए हैं कि किसी तरह का बैकअप नहीं था, 8-10 दिनों में उन्होंने जनरेटर चलते हुए वहां पर नहीं देखा, वो काफी दिनों से उनके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है तो बार बार उन्होंने कहा कि हमें आप किसी तरह का कोई प्रूफ दे दीजिए या हमें कोई वीडियो दे दीजिए ताकि हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमारे जो मरीज हैं वो अंदर ठीक भी हैं नहीं, उन्हें भेज दिया नहीं जाता, वहां रोका जाता और डेड बॉडी कब्रिस्तान पहुंच जाती है, सर क्या कहेंगे इसको लेकर आप? विश्वास सारंग साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मशीनों को लेकर कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन वो तो साफ बता रहे हैं कि 10-15 मिनट का भी बैकअप नहीं था वेंटिलेटर का। देखिए, वो सरकार ने इसमें कोई कोताही नहीं बरती, सरकार ने जांच भी बैठा दी, निलंबित भी कर दिया, और ये जो कुशासन पैदा हुआ 15 महीने का, उसके दुष्परिणाम अब सामने आते जा रहे हैं, लेकिन लगातार समीक्षा करके जी। और लगातार इन बातों को पर मुख्यमंत्री जी ध्यान दे भी दे रहे हैं और कसावट भी ला मैं रहे हैं। सहमत हूँ, उनकी कसावट कसावट दिख रही है, यहाँ पर उनकी कसावट दिख रही है मालू जी, वापरी जाती है जी, वहाँ को उनको छोड़ा नहीं जाता किसी को भी, उस सरकार ने जिस तरह से तबादलों में भ्रष्टाचार किया लोगों को यहाँ वहाँ से। सर सवाल ये है क्योंकि समय कम है तो कट टू कट में क्वेश्चन का आंसर चाहूंगी आपसे, उसके बाद सुनिए आप, उसके बाद सरकार को काम करने का मौका मिला है और सरकार काम कर रही है, सजग है, सतर्क है, संवेदनशील है। सर जनरेटर में डीजल नहीं था सर, 8 दिन से वो जनरेटर काम नहीं किया, जब कोई मरता है उसके बाद ही क्यों सिस्टम जागता है, सवाल ये है। निगलिजेंस को तो कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, निगलिजेंस तो निगलिजेंस पहले से क्यों इन तमाम चीजों की जांच नहीं होती? अहमद खान बता रहे हैं कि वहां पर डीजल की चोरी भी होती है, उसे बेच दिया जाता है, तो अहमद खान इतने दिन से क्या कर रहे थे, पहले नहीं बता सकते थे सदैव नागरिक होने के नाते कि डीजल की चोरी हो रही, आज इतने सारे आरोप लगा रहे, ठीक है हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। शेड्यूल को लेकर भी आरोप लगाया है कांग्रेस ने, कमलनाथ साहब ने, उन्होंने कहा कि सीएमएचओ को उनके समय पर भी बदल दिया गया था, कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद वही सीएमएचओ दोबारा वहीं पर दिखाई दिए, और भी तरह के आरोप उनकी तरफ से कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं सर, किस
स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं कर पा रहे आप लोग। कांग्रेस ने काम कभी किया नहीं, केवल आरोप लगाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार प्रशासन की कसावट के लिए रोज मुख्यमंत्री जी रोज समीक्षा कर रहे हैं हर विभाग की, हर जगह जहाँ पर ये 15 महीने में इन लोगों ने जिस सिस्टम को ध्वस्त किया, उस सिस्टम का की पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी जी। सवाल तो कई है मेरे पास, निश्चय ही किसी की भी मौत, लेकिन समय अब इजाजत नहीं देता। आप भी जानते हैं कि अब उस पर कार्रवाई होना ये महत्वपूर्ण है, और जो दोषी होंगे उनको उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार ने सुनिश्चित किया है। चलिए शुक्रिया मालू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए फटाफट कार्रवाइयां भी आप देख रहे हैं, लेकिन सवाल वहीं आकर फिर खड़ा होता है कि जब कोई घटना घटती है तभी क्यों सिस्टम में लोग सक्रिय होते हैं, तभी क्यों कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं, उससे पहले ही क्यों सुनिश्चित नहीं किया जाता कि जो व्यवस्थाएं जरूरी हैं उसे दुरुस्त करना चाहिए। अहमद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया अहमद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीसी शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं आप, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। पीसी शर्मा साहब का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। पीसी शर्मा जी सुन पा रहे हैं? जी जी। पीसी शर्मा जी अहमद खान हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने और भी बारीकी से उस वहां की तस्वीरों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जनरेटर 8 दिन से ही नहीं चल रहा था, डीजल भी चोरी होता है वहां पर, इस तरह की भी बातें वो रख रहे थे। उन्होंने कहा कि हार्डली 10 से 15 मिनट का ही बैकअप रहा होगा, उन्हें सूचित भी नहीं किया जाता और डेड बॉडी को कब्रिस्तान भेज दिया जाता है। आपकी तरफ से भी सवाल उठाए जाते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त नहीं है। हमीदिया जैसे अस्पताल में अगर ये इस तरह का घटना होगी कि बिजली चली जाएगी और जनरेटर भी नहीं चलेगा, बैकअप सिस्टम नहीं चलेगा, तो मैं नहीं समझता कि हम कैसे कोरोना से लड़ पाएंगे। पूर्व पार्षद अकबर खान की जान चली जाती है, 2 लोगों की और जान चली जाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें कहीं ना कहीं जो सिस्टम को चला रहे हैं वो सब भी इसमें जिम्मेदार है, चाहे वो मंत्री हो चाहे PS हो, क्योंकि भाई आपकी मॉनिटरिंग होना चाहिए ना कि कैसे कहाँ चल रहा है, बार बार चेकिंग हो, बार बार वो इन सब चीजों को ढीला छोड़ दिया गया। आप ये उसमें हमने देखा कि नकली तस्मा भी दे दिया गया, इस तरह की चीजें आ रही है, 200 लोगों को आजमा दे दिया नकली, तो ये सब चीजें बहुत लापरवाही वाली है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना की लड़ाई जिसमें 3,000 से ज्यादा लोगों की जाने चली गई, लोग परेशान हो रहे हैं। सर मध्य प्रदेश ने दोनों सरकारों को देखा सर, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर को दे रहे हैं आप, एक अल्टरनेट बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं आप, हमीदिया से लगी हुई सुल्तानिया हॉस्पिटल को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। पहले भी आप लोगों की तरफ से शेड्यूल में भी कार्रवाइयां हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम सिस्टम को दुरुस्त होते हुए नहीं देख रहे हैं। जो लचर व्यवस्था चली आ रही है तो चली आ रही है, मशीनरीज भी आज जो चली आ रही हैं वो चली आ रही हैं। लेकिन अभी इन पर्टिकुलर जब कोरोना से लड़ाई चल रही है देश में, मध्य प्रदेश में, उस समय इस तरह की लापरवाही, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्योंकि सरकार ने इसको सीरियसली, हमेशा हम लोग उठाते रहे लेकिन सीरियसली नहीं लिया, उसकी कुल मिला के वजह है। और इसीलिए हमने कहा है कि हाई कोर्ट के जज से पूरे मामले की जांच होनी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व मंत्री, लेकिन सवाल वही कि आखिर क्यों कोई घटना घटती है फिर चाहे वो शेड्यूल की घटना हो, वहां पर जाके कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं, निरीक्षण करना शुरू हो जाता है, और चाहे फिर मध्य प्रदेश के बड़े अस्पताल हमीदिया अस्पताल की बात हो, राजधानी भोपाल का ये बड़ा अस्पताल है, पूरे मध्य प्रदेश से मरीज यहाँ पर आते हैं, और कोरोना काल यहाँ पर तो वार्ड बनाया गया है COVID-19, बावजूद इसके इस तरह की छोटी छोटी गलतियां लोगों की जान लेने लगे तो भला किसको दोष दीजिएगा? कौन है जो अपना काम तरीके से नहीं कर रहा? कौन है जो ऐसे लोगों को बख्श रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं जो काम भी ढंग से नहीं करते और उनके ऊपर भी लोग उन्हें बधाइयां देते रहते हैं, पीठ थपथपाते रहते हैं? अब कार्रवाई हो रही है, लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन पहले ही ये तय किया जाए कि किसकी क्या ड्यूटी है और कितने बजे उसने ड्यूटी की। एक सिस्टम होता है सभी चीज़ों को चलाने के लिए, और हॉस्पिटल इतना बड़ा, उनके पास तो बहुत बड़ा स्टाफ भी होता है, डॉक्टर्स भी होते हैं, लेकिन बावजूद उसके जब तक कसावट से दुरुस्त करने की कवायद नहीं होगी तब तक शायद मुमकिन नहीं कि इस तरह की गलतियाँ दोबारा ना हो।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।